ऐसे भी भुंडे भुंडे से कमेंट करते थे कि मतलब भाई तुम तो ऐसा ज्ञान पील रहे हो कि तुम अप्रेंटिस के बारे में जैसे खुद पीओ बन के बैठे हैं। तो भाई मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, हम पीओ बन चुके हैं, तुम्हारी औकात से ऊपर आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टाइम में। तो दोस्तों, आज एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, और इसमें मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा, वो बातें डिस्कस करूँगा जो कि फ़िलहाल एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखो, एक तो RRB के लिए फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म अब एंड भी होने वाले हैं जल्दी। आई विश, आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग इंटरव्यू तक गए हो और क्रैक नहीं कर पाए हो। तो इस बार भी आपकी तैयारी वही है और उससे भी बेटर तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों, कुछ बच्चे जो प्री में किसी वजह से रह गए, नॉर्मलाइजेशन की वजह से, या फिर 0.25 या फिर बहुत मिनिमम मार्क्स से रह गए, तो वो भी तैयारी फाड़ू कीजिए, ज़बरदस्त तैयारी करो। एक और बात दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अप्रेंटिसशिप वाली स्कीम निकाली थी, है ना, इसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये एक तरह से नेशनल टाइप का, ये वही है, एक रोजगार टाइप का ही है, नेशनल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये उसी टाइप की अप्रेंटिसशिप है। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था बड़ौदा यूपी बैंक में अप्रेंटिस का, और पिछले साल हुआ था SBI अप्रेंटिस का, तो कि 3 जनवरी 2022 से उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी। तो अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो कि हम थे फॉर्मर SBI अप्रेंटिस, जिन्होंने सबसे पहले SBI ने अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली थी, तो सबसे पहले उसमें हम ज्वाइन हुए। हमारा सेम आप लोगों के जैसे एग्ज़ाम वगैरह हुआ, मेडिकल DV वगैरह सब कुछ, ट्रेनिंग वगैरह हुई और फिर हम ब्रांच में गए। तो हम लोगों को काफ़ी सारे बेनिफिट दिए गए थे, और फिर क्या हुआ कि पूरा साल हमने निकाला हमने, और हमें ऑफिशियली जो लोग थे वो वर्बली हमको बोलते भी थे कि आप लोग अच्छे से काम करो, इवन कि हम इस चीज़ में नए थे, इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में हम नए थे, ठीक है। और आप लोग भी जब नए रिक्रूट होके जाओगे तो वो चीज़ें भी आपके लिए अलग ही होगी, नई ही होती है ना, किसी जब पहली बार जाते तो चीज़ नई होती है। तो विश्वास कर लिया भाई कि चलो ठीक है, SBI है, इतना बड़ा ब्रांड है, झूठ तो नहीं बोलेंगे इसके ऑफिसर। तो सभी मोस्टली लोगों ने इसको किया, और ये पहले, एक और बात बताऊँ आपको, ये सिर्फ 1 साल के लिए थी। कुछ लोग तो हम पे ब्लेम करते हैं कि फॉर्मर जो अप्रेंटिस रहे उन्होंने इस पे, ये 3 साल की थी, इसमें जैब कैब भी था, वो अपना प्रोटेस्ट करके कैंसिल करवा दी, ऐसा तो कुछ नहीं था, ठीक है। तो जो ये फॉर्मर SBI अप्रेंटिस थी, तो इसके एक्सपीरियंस हमने बाद में डालना, एक CY मेथड और एक बैंकिंग टाइम, दो चैनल थे, ठीक है, प्रॉपर, जिन्होंने अच्छे से आपको बताया, इसकी सच्चाई बताई, इसकी हकीकत बताई, इसके प्रोज एंड कॉन्स बताए, ठीक है। लेकिन फिर भी तब भी देश के युवा लोगों ने, क्या करें, उनकी भी मजबूरी है भाई, बेरोज़गार है वो भी, तो उन्होंने भी बड़ी भर भर के गालियाँ दी कमेंट में, लाइव सेशन में भी गालियाँ दी ज़बरदस्त, और अपने बढ़िया कमेंट रखे, मुद्दे रखे अपने गालियों के माध्यम से कि हम लोग तो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, अगर किसी को रोज़गार मिल रहा है तो ले लो, ठीक है, चलो ठीक है भाई रोज़गार ले लो। लेकिन अभी ये देखो कि 1 साल के बाद आपका रोज़गार का क्या होगा, आपको 1 साल के लिए आपको 15,000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या आपकी बेरोज़गारी 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी? आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा तो क्या आप उससे अलग जॉब ले लोगे? इवन उससे बेटर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे नाम सरकारी है, ब्रांड है, तो सब झुके जा रहे हैं। जब हमने सच्चाई बताई थी तब भी उसका कड़ा विरोध हुआ था एक तरह से। अभी और सिर्फ मैं ही नहीं, अमर सर मैथ्स बोलता है, उन सर ने भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई, एक नहीं उनकी भी 2-3 वीडियो है अप्रेंटिस के ऊपर बनाई कि ऐसे बेहुदा प्रोग्राम को बंद किया जाए। फिर उसने बाद में भी वीडियो बनाई थी, क्योंकि उनकी वीडियो में भी हेट कमेंट थे कि सर इससे तो रोज़गार मिल रहा है, किसी को मिलेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, बेनिफिट होगा, ये होगा, लेकिन 1 साल के बाद कहाँ जाओगे भाई तुम लोग, ठीक है। अब बड़ौदा ने निकाली है, ये इस टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है जब उनके लिए एक पक्की नौकरी उनके सामने अपॉर्चुनिटी तैयार बैठी, RRB PO। अब कह सकते हैं कि अब बैंक एग्ज़ाम्स का मेला शुरू हो चुका है, और अब एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगस्त से एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं, कुछ और आएंगे IBPS के, ठीक है, RRB के आ चुके हैं, CRP के आने बाकी हैं,
ठीक है, और भी IDBI एग्जीक्यूटिव, ये सब आज सभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो और असिस्टेंट मैनेजर IDBI में। तो अब आप ये देखो कि इसको करोगे कि उसको करोगे। तो बड़ौदा वाले अप्रेंटिस जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो वो तो हमारी फॉर्मर सारी पुरानी वीडियोस देखें, उनके कमेंट पढ़ें, एक्सपीरियंस देखें CY मेथड एंड बैंकिंग टाइम का, ठीक है जी। तो इससे आप लोग, और हाँ मैं उन लोगों को इस वीडियो में सही सही बताता हूँ कि अब वो लोग मेरे को कमेंट करके बताएं, जो लोग मेरे को हेट कमेंट कर रहे थे ना वीडियो में, अब वो अप्रेंटिस की हकीकत बताएं, क्योंकि अप्रेंटिस के काफ़ी बच्चों ने रिज़ाइन दे दिया है। और अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना हमारे, तो वहाँ पे किसी भी बच्चे से पूछ लो कि कैसा चल रहा है, उन्होंने क्यों रिज़ाइन दिया। मेरे को एक ही काम करा रहे थे PAPL का, मेरे को एक ही काम करा रहे हैं लोन का, मेरे को ब्रांच में लौटने क्या, मेरे को RBO में बैठा रखा है, वहाँ पे अलग ही माहौल है, या मेरे को ये अलग ही काम करा रहे हैं, मेरे को सेल्स का काम दे रखा है कि तेरे को सेल्स करना है, टारगेट पूरा नहीं होगा। काफ़ी बच्चों ने इसमें रिज़ाइन दिया है। क्यों रिज़ाइन दिया? पहले तो बड़े रीज के कर रहे थे, पहले बड़े खुश होके कूदे थे इस में इसके अंदर कि हाँ भाई हमें रोज़गार मिलेगा, हमें पैसे मिलेंगे, और फिर हाँ सबसे बड़ी बात तो ब्रांच भी मनचाही नहीं मिली ना। लेकिन सबको लगता था कि चलो ब्रांच कहीं पे भी मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 30 40 50 60 70 150 किलोमीटर दूर है, इंडिया से बाहर थोड़ी फेंक देंगे, तो सबको ब्रांच भी लौट हुई। लेकिन वही अभी जून चल रहा है, जनवरी में पोस्टिंग हुई, जनवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून चल रहा है, अप्रैल तक आते आते काफ़ी लोगों ने रिज़ाइन दे चुके हैं। अब जो लोग जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जो काम को हैंडल करना जानते हैं हर तरीके से, वो तो लगे हुए हैं, ठीक है, जो मैनेज करना जानते हैं। और रही बात उनकी, जो ना इधर के रह पाए ना उधर के रह पाए, तो उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। उन लोगों के सामने तो यही अपॉर्चुनिटी है कि मैं RRBPO या फिर आने वाले एग्ज़ाम पे फोकस करूँगा। और यही बात मैं बड़ौदा अप्रेंटिस वालों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग वेट मत करो इसके रिज़ल्ट का, आप लोग तैयारी करो RRBPO की, क्योंकि इसमें आपको भी सेल्स का ही काम कराया जाएगा, इसमें आपको कोई CVS एक्सेस नहीं मिलेगा, इसमें आपकी कोई ऑफिसर रैंक नहीं मिलेगी। और SBI अप्रेंटिस में भी कुछ ही लोगों को अच्छा एडमिट वो ID कार्ड दिया है, अदरवाइज काफ़ी लोगों को नहीं दिया। और फिर जब आप कस्टमर से ऐसे डील करोगे, तो कस्टमर आपको कहेगा कि मैं कैसे मान लूँ कि भाई तू एक ऑफिसर है या फिर तू एक एम्प्लॉई है, और वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक इतना बड़ा बैंक है, तेरे को एक आईडी कार्ड नहीं दे सका। कस्टमर तो खुल्ला बोलते थे, आप लोगों को पता है, वीडियो में भी आपने काफ़ी देखा है, SBI तो वैसे काफ़ी बदनाम करा हुआ है लोगों ने, है ना, लंच लंच के नाम पर। तो चीज़ें हर तरीके से मैटर करती है, सिर्फ अपना एक पॉइंट रखना ही वाजिब नहीं है। सिर्फ अपना एक पॉइंट रख दे कि नहीं इससे तो रोज़गार मिलेगा, ठीक है। अभी आप चीज़ लोग ये भी देखो, अग्निपथ अग्निवीर स्कीम आई है, और ये भी काफ़ी व्हाट्सएप पे स्टेटस आ रहे हैं लोगों को, मुझे ये नहीं पता कि हकीकत है या सच है, झूठ कैसी है, पर हाँ कि कुछ लोग चाहे वो एडिटेड हों वीडियो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको रखूँगा सामने ज़रूर, ठीक है, कि इसके आते ही काफ़ी बच्चों ने सुसाइड करने शुरू कर दिए, जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कि ये तो 4 साल का कर दिया, फिर 4 साल के बाद रिटायर, वो लोग कहाँ जाएंगे ऐसे वैसे, ठीक है। ये मैंने पढ़ा कल के बारे में, अग्निवीर और अग्नि, ठीक है, चीज़ें मैटर करती यार। 1 साल का रोज़गार लेके तुम लोग कहाँ जाओगे? क्या तुम्हारा 60 साल तक, तुम जब तक बुढ़ापे हो करोगे, तुम तब तक कुछ कर लोगे क्या? और आज का टाइम तुम्हें भी पता है कि ऐसा है कि अगर अभी से तुम इधर उधर भागते फिरोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। फिर भी काफ़ी लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के कहा कि अप्रेंटिस कर लो, अप्रेंटिस कर लो, अप्रेंटिस कर लो, ऐसे नहीं अप्रेंटिस में जाओ, क्या पता कन्फर्म ही कर दें इस बार तो तुम लोग खुद। और वही ट्विटर पे भी आप लोगों ने काफ़ी चलाए कि हाँ काफ़ी क्या शुरुआत करी कि हम लोगों क्या है। और SBI ने नोटिफिकेशन भी एक जारी किया था, एक सर्कुलर जारी करा था कि उसमें वो क्या करेंगे, अप्रेंटिस को कुछ बेनिफिट देने वाले हैं। अब वो प्री में देंगे कि मेंस में देंगे ये नहीं पता एक तो, और फिर इसी बार से क्यों देंगे यार, जब पहले भी हो चुका था ये अप्रेंटिस 2019-20 में पहला पायलट प्रोजेक्ट के तहत हो चुका था, तो जो 2020 में इसकी वैकेंसी निकली थी, 21 में निकली थी, तब क्यों नहीं इसमें रिजर्वेशन दिया भाई, अभी से क्यों दिया, है ना। चलो खैर कोई नहीं, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और काफ़ी लोग ऐसे भी भुंडे भुंडे से कमेंट करते थे कि मतलब भाई
तुम तो ऐसा ज्ञान पेल रहे हो कि तुम अप्रेंटिस के बारे में जैसे खुद पीओ बन के बैठे हैं। तो भाई मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, हम पीओ बन चुके हैं, तुम्हारी औकात से ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। जो लोग जैसे भी कमेंट करते थे उनको जवाब देने के लिए हमारा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, वो भी बैंक में ही। हम बन चुके हैं पीओ, और अब तुम देखो तुम्हारी क्या औकात है। जो लोग हेट कमेंट करते थे ना उनके लिए, चीज़ें मैटर करते, चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करो। अगला बंदा तुम्हें झूठ नहीं बताएगा, अगला बंदा तुम्हें यहाँ के अपने कि दो वीवी के चक्कर में तुम्हें झूठ बोलेगा या फिर कोई नेगेटिविटी फैलाएगा। अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और आने वाले का भी हमने बताया था कि इस बार ऐसा ऐसा होगा और वही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है, इसमें इतना ही, बाकी फिर दूसरा पार्ट लेके आएंगे ऐसे ही, इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करके, आपस में डिस्कशन करके, ठीक है। तो आप बताना मेरे को कि ये कैसा आपको लगा और आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। थैंक यू।